सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा डड्डाबा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने डड्डाबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड्डा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने डड्डाबे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है, वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी सात पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बद्धा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के डड्डाबे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड्डचकर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे।